हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हालचाल। मेरा नाम है युग और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है युग एडिट। सो गाइज, आज का इस वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि गाइज आज हम कुछ इस टाइप का मैनिपुलेशन एडिटिंग करने वाले हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर वाली फोटो देख रहे हो गाइज, जितनी अच्छी फोटो ये वाली मेरी स्क्रीन पर आपको देखने में लग रही होगी, असल में ये इसकी ओरिजिनल फोटो इतनी ज्यादा बेकार थी। जैसे कि मैं अभी आपको इसकी ओरिजिनल फोटो दिखाऊँ जो कि कुछ इस टाइप से है, एंड आप ये देख सकते हो एकदम से हमारी फोटो बिल्कुल बेकार हो रही है। आप इसमें स्किन टोन देख सकते हो, आप हेयर देख सकते हो, हमारा बैकग्राउंड देख सकते हो। बट गाइज हमने इस फोटो को जो एडिट करा है वो एकदम नेक्स्ट लेवल करा है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी मैनिपुलेशन इसमें हमने कर रखी है। तो ये चीज आप किस तरह से अपनी फोटो में ला सकते हो जिससे कि आपकी फोटो में एकदम रियलिस्टिक मैनिपुलेशन एडिटिंग लगे, कि कहीं से भी पता नहीं लगे कि आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करा है, आपने इसके हेयर्स बनाए। तो ये चीज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। उससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अयुब एडिट्स और लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर गाइज आप इस चैनल पर नए व्यूवर्स हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी दबा दो, और इस वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड शेयर भी करना जो भी आपके एडिटिंग लवर्स हैं, तो उन सारे दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले गाइस आपने इस एडिटिंग को करने के लिए क्या करना होगा, आपने एक नॉर्मली अपना कुछ इस टाइप का एक फोटो क्लिक करा लेना है, कुछ इस टाइप से पोज दे करके, जो कि बहुत ही इजी पोज है, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर। एंड गाइस इस पोज को आप किस तरह से क्लिक कर सकते हो वो मैंने इंस्टाग्राम पर अपना रील्स अपलोड किया था, आप जाकर के वहां से देख सकते हो। तो आपको इस ऐसी लोकेशन पर अगर नहीं मिलती तो आप कहीं पर भी नॉर्मली कुछ इस टाइप से बैठ जाना, एंड बैठ जाने के बाद आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, आपने इस तरह से बैठना है कि आपका सिर्फ पीछे का बैकग्राउंड रेज हो, क्योंकि हमने यहाँ पर शेडो क्रिएट नहीं करनी है अपनी बैकग्राउंड में, जिससे कि हमारी फोटो वहीं से रियलिस्टिक लगने वाली है। क्योंकि हम जितनी कम अपनी फोटो में शेडो बनाएंगे हम उतनी अच्छी फोटो को अपनी अच्छे तरीके से एडिट कर पाएंगे, जिससे कि हमारी फोटो बिल्कुल रियलिस्टिक लग सकती है। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना है, एंड इस फोटो को इस कुछ इस टाइप से पोज क्लिक कराने के बाद आप उसके बाद अपनी फोटो का पीछे का बैकग्राउंड कुछ इरेज कर लो। कुछ इस तरह से आपने अपने फोटो को जो है बैकग्राउंड रेज कर लेना है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर कर लिया है। तो ये मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस बेसिस का फोटो का बैकग्राउंड रेज कर रखा है, और इस बैकग्राउंड को रेज मैंने किस तरह से कराया वो मैंने डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है कई सारी, कि आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड किस तरह से इरेज कर सकते हो। अगर आपको अभी तक नहीं देगी तो आप उनको जाकर के देख लो, एंड मेक श्योर आपको अभी तक बैकग्राउंड इरेज करना बहुत अच्छे से आ गया होगा अगर आप इस एडिटिंग को यहाँ पर देख रहे हो। तो गाइज अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, इस फोटो को लेकर के आना पहले सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। जैसे ही हम इस फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर लेकर के आएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें नॉर्मली ड्रॉ टूल के अंदर आ जाना है, एंड ड्रॉ टूल के अंदर आने के बाद आपने नॉर्मली यहाँ पर लेयर पर आ जाना है, और लेयर पर आने के बाद यहाँ से आपने एक लेयर क्रिएट कर लेनी है इसमें फोटो लेयर, और यहां से फोटो लेयर क्रिएट करने के बाद आपने यहां पर अपना बैकग्राउंड ले लेना है। जैसे कि मेरे पास जो बैकग्राउंड था जो मैंने इस फोटो में यूज कर रहा था वो मेरे पास था, तो वो मैंने ये वाला बैकग्राउंड इसमें यूज कर रहा था। तो इस फोटो को यहाँ पर लेने के बाद आपने इसको जो है यहाँ से डन कर देना है, और डन करने के बाद आपने इसको ले आना है बिल्कुल नीचे, एंड आप इसको नीचे जैसे ही लेकर के आओगे तो बहुत अच्छे से सेट यहाँ पर हो जाएगा। बट हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके और अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसको हम मैं थोड़ा और बड़ा कर करके, कुछ इतने एरिया में मैं इसको ले आऊंगा एंड यहां से इसको कर दूंगा डन। और इसको डन करने के बाद गाइस हमें नीचे का यहाँ से ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमने इतनी फोटो अपनी क्रॉप कर लेंगे इंस्टाग्राम साइज के लिए। तो यहाँ से इस चीज को यहाँ पर रखने के बाद हम यहाँ से इसको नॉर्मली डन कर देंगे, एंड डन करने के बाद अब हम इसमें जाएंगे एंड यहाँ से अपनी एक ऐड फोटो में जाकर के यहाँ से एक पीएनजी हम इसमें ऐड कर लेंगे, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी वहां से इजीली डाउनलोड कर ले सकते हो। तो मेरे पास ये वाली हेयर पीएनजी है तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लिया, एंड इसको ऐड करने के बाद हम इसको अपने हेयर्स पर अच्छे से ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी फोटो यहीं से लग रही है कि हमने इसका बैकग्राउंड रेज करा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से अपना रेज कर लेते हैं, बट वो हेयर्स को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि उनकी फोटो में अलग ही पता लग जाता है कि भाई इन्होंने इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करा। तो इसलिए हम यहाँ पर अपने हेयर्स को पहले अच्छे से ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम इसको इस पीएनजी का यूज करेंगे, एंड इस पीएनजी को यहाँ पर लगाने के बाद मैं कुछ इस शेप में इसको यहाँ पर लगा लूंगा। तो गाइस कुछ इस तरह से मैं इस पीएनजी को यहाँ पर लगा लूंगा, एंड इस देखिए इसको लगाने के बाद कितने ज्यादा हमारी फोटो अलग बन जा रही है। तो इस चीज को यहाँ से करने के बाद हम यहाँ से इसको डन कर देंगे। अब गाइस हमारी फोटो में बहुत अच्छे से हेयर्स बन गए एंड बैकग्राउंड बहुत अच्छे से मैच हो गया है, बट हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक लाइट पीएनजी की हमारे यहाँ पर कमी लग रही है, तो उस पीएनजी को भी हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके ये नहीं हमारी वाली लाइट वाली पीएनजी, तो इस पीएनजी को मैं यहाँ से ले आऊंगा, एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं यहाँ से कर दूंगा स्क्रीन,
तो ये देखिए गाइस बहुत अच्छी लुक हमारी फोटो में ये देने वाली है। एंड यहाँ से इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो इस चीज़ को यहाँ से करने के बाद यहाँ से इसको डन कर देंगे। और इसको डन करने के बाद अब हम जाएंगे, तो अब हमारी फोटो ये वाली बहुत अच्छे से यहाँ पर परफेक्टली होगी सेट। अब हमें क्या करना है, हमें नॉर्मली सिर्फ इस फोटो में कलर डालना है। तो कलर के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस फोटो को पहले ड्रॉ टूल में जा करके सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद इस फोटो करेंगे हम लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन, जहाँ से हम इस फोटो में करेंगे कलर कलेक्शन। तो गाइज जैसे कि मैंने अपनी फोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिया है, एंड गाइज यहाँ पर आप लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर अपनी फोटो को जैसे ही ओपन करोगे, आपने क्या करना है, आपने क्रॉप के अंदर जाना है और यहाँ से अपनी फोटो को साइज जो कर देना है 4x5। एंड इस साइज को आपने रखने के बाद कुछ इस एरिया में आपको इसको सेट कर देना है। और इसको सेट करने के बाद यहाँ से आप इसको डन कर दो। एंड डन करने के बाद आप देखिए आपकी फोटो एकदम रियलिस्टिक यहाँ से और ज्यादा बनने वाली है, क्योंकि हमारा जो नीचे का एरिया था वो हमारा मैच नहीं हो रहा था। वो इसलिए हमने उसको मैच नहीं करा क्योंकि हमने अपनी फोटो को क्रॉप करना था, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो फोटो अपलोड होती है वो इसी साइज में होती है। तो इस चीज को यहाँ पर करने के बाद आप बैक आओगे, और बैक आने के बाद आपने जो इसके कलर कलेक्शन के लिए क्या करना है, आपने ये वाला प्रीसेट्स अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से हो तो आपको पता होगा हमने इसका एक डेडिकेटेड वीडियो डाला था इस प्रीसेट्स का, एंड इसके साथ दो प्रीसेट्स हमने और दिए थे। तो ये प्रीसेट्स आपके फोन में जरूर होगा, अगर नहीं है तो इस प्रीसेट्स को डाउनलोड कर लेना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को आपको इसका मिल जाएगा। आपने इसको डाउनलोड करके क्या करना है, आपने इसकी सारी सेटिंग्स को यहाँ से कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने बैक आ जाना है और यहाँ से अपनी फोटो को ले लेना है। और यहाँ से फोटो को लेने के बाद सिर्फ 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसको यहाँ पर कर देना है पेस्ट। तो ये देखिए सिर्फ एक क्लिक में यहाँ पर सारी कलर टोन हमारी बन जाएगी। बट हम इस हमारी कलर टोन जो है थोड़ी यहाँ से मैच नहीं हो रही है, तो इस चीज़ को हम यहाँ से ठीक करेंगे। जैसे कि हमारी फोटो में रेड टोन ज़्यादा आ रही है, तो रेड टोन को हम ठीक करने के लिए कलर्स में जाएंगे एंड यहाँ से रेड टोन लेंगे और इसकी सेचुरेशन को हम हल्का यहाँ से माइनस कर देंगे एंड ल्यूमिनेंस को प्लस। उसके बाद ऑरेंज पर जाएंगे, यहाँ से ऑरेंज की ल्यूमिनेंस को हम प्लस करेंगे एंड सेचुरेशन को हल्का सा प्लस कर देंगे कुछ इतना गाइस, एंड यूज को हम यहाँ से हल्का प्लस कर लेंगे। तो देखिए गाइस हमारी फोटो में जो ज्यादा रेड टोन आ रही थी वो आ चुकी है अब ऑरेंज टोन में, जो कि हमारे बैकग्राउंड से मैच हो रही है बहुत अच्छे से। तो ये चीज आप यहाँ पर कर लो, एंड उसके बाद यहाँ से हम इसको डन करेंगे। और उसके बाद यहाँ क्लैरिटी में जाएंगे एंड यहाँ से इसकी दहेज को हम थोड़ा और ज्यादा प्लस कर देंगे, जिससे हमारी फोटो में एक डार्क लुक आ जाएगी। एंड यहाँ से ये सारा काम करने के बाद हम बिजनेट को भी यहाँ से थोड़ा डाउन कर लेंगे और इसके राउंडनेस को फुल एंड हाईलाइट्स को भी थोड़ा प्लस कर लेंगे। तो ये देखिए सिर्फ इतना काम करने पर हमारी कलर टोन पूरी तरह से एडजस्ट हो जा रही है एंड बहुत अच्छे से हमारी फोटो बन जा रही है। तो ये चीज गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिखानी थी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो उसको प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्दी।